हाँ तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट के अंदर एंड टूल्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड क्रॉप पे क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा एंड इसको इतना काट लीजिएगा एंड इसको यहाँ से काट लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, इतना पर कर लीजिएगा एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से टूल्स पे क्लिक कर देंगे एंड सिलेक्टिव पे क्लिक करके और जहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे। काफी भौकाल तरीका से देख सकते हैं आप लोग, इस तरीका से हम अच्छे से अप्लाई करेंगे लाइट को ताकि जो है ना फोटो देखने में काफी मस्त तरीका से लग सके। देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से आप लोग लाइट को अप्लाई कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग आराम आराम से और अच्छे से कीजिएगा और आपके फेस पे 1% भी ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। मैं जैसे बताऊंगा आपको स्मूथ करना और एडिटिंग करना, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो अभी आप लोग को जो है ना 1 नंबर स्मूथ करना आएगा और 1 नंबर एडिटिंग करना आएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो इस तरह से कर लेंगे एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे एंड इतना कर लेने के बाद सिंपल से हम फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्टिव पैन क्या करेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पे हम हल्का ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर से हम टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड ट्यून इमेज पे एंड एम्बिएंस पे जा करके इसको हल्का बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे पता है आप लोग, इसको बढ़ा दीजिएगा आप लोग इतना बढ़ा दीजिएगा 73 एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद ना सिंपल से हम लोग इसको क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। हाँ तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम में, तो आप लोग लाइट पे चले जाइएगा एंड क्या कीजिएगा इसको बढ़ा दीजिएगा एंड इसको बढ़ा लेने के बाद आप लोग कंट्रास्ट को भी बढ़ा दीजिएगा एंड इतना कर लेने का हाईलाइट को कम कर लेंगे एंड क्या करेंगे शैडो को बढ़ा देंगे एंड व्हाइट को कम कर लेंगे एंड ब्लैक को कम कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम क्या करेंगे, कलर्स पे चले जाएंगे एंड मिक्स पे जा करके एंड इस पे आकर के दूसरे नंबर पे एंड इसको इतना कम कर लेंगे एंड इसको इतना बढ़ा देंगे एंड इतना हो जाने के बाद इस पे आकर के इसको हम क्या करेंगे इतना कम कर लेंगे एंड इस पे आकर के इसको बढ़ा देंगे एंड इसको भी बढ़ा देंगे इतना बढ़ा लेंगे एंड इस पे जाकर के इसको बढ़ा देंगे एंड इसको कम कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद ना सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीसरे नंबर पे हम इस पे आएंगे, इस पे आ जाने के बाद सिंपल से हम लोग इसको भी बढ़ा देंगे इतना बढ़ा देंगे एंड क्या करेंगे ये फर्स्ट नंबर पे इस पे आकर के इसको इतना बढ़ा देंगे एंड इसको इतना बढ़ा लेंगे एंड इतना कर लेने का इसको इतना बढ़ा देंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे एंड इसको इतना बढ़ा देंगे एंड क्या करेंगे ये टाइटल है इसको हम 4 कम कर देंगे एंड वाइब्रेंस को हम कितना बढ़ा देंगे 10 एंड सेचुरेशन को 2 बढ़ा देंगे एंड ग्राइंडिंग पे जा करके इसको इस तरह से क्या करेंगे यहाँ से यहाँ रख लेंगे एंड इतना रख लेने का सिंपल से यहाँ से डन कर देंगे एंड इतना कर लेने का सिंपल से हम लोग इफेक्ट पे जाएंगे एंड क्वालिटी को हम लोग बढ़ा देंगे कितना पता है इतना बढ़ा देंगे एंड स्ट्रक्चर को इतना बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद ना हम लोग बिगनिंग को इतना बढ़ाएंगे एंड इसको इतना बढ़ाएंगे एंड इस पे जा करके एंड इसको इतना बढ़ा देंगे एंड डिटेल्स को इतना एंड डिटेल्स को इतना एंड मैक्सिंग को इतना बढ़ा देंगे एंड नॉइजनेशन को इतना बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग डिटेल्स को इतना बढ़ाएंगे एंड कलर को इतना एंड कलर को इतना एंड डिटेल्स को इतना एंड स्मूथिंग को इतना बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको शेयर कर लेंगे। कहां पर पता है हम लोग इसको शेयर करेंगे, कहां पे, फोटो रूम के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। हां तो ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से ओपन होगा आपका फोटो रूम। आप लोग क्या कीजिएगा जो ब्लर वाला इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड इस पे क्लिक कर लेने के बाद अपने फोटो पे क्लिक करके इसको नीचे कर लेंगे एंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे एंड इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपल से एक बार बैक कर लेंगे एंड इतना हो जाने के बाद जो सेव वाला इस पे क्लिक करके एंड फोटो को सेव कर लेंगे। हाँ तो ओके दोस्तों, फोटो सेव कर लेने का आप लोग शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट के अंदर एंड टूल्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड डबल एंड क्या कीजिएगा आप लोग टूल्स पे क्लिक करके एंड हेलिंग वाले पे जा करके एंड क्या कीजिएगा इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे एंड इसको मिटा देंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे। इतना हो जाने के सिंपल से हम फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे टोटल कंट्रास्ट पे जाकर इसको 100 कर देंगे एंड मीडियम टोन को 100 कर देंगे एंड लो टोन को 100 कर देंगे एंड पोर्ट्रेट को 100 कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे एंड इस पे जाकर एंड व्यू एडिट पे एंड टोटल कंट्रास्ट पे एंड बीच वाले पे एंड क्या करेंगे इस पे क्लिक कर देंगे एंड अपने फेस पर से एंड शर्ट पर से इरेज कर लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं, बाकी हेयर पर से नहीं इरेज करेंगे, तो हम वीडियो को हल्का फास्ट करेंगे। हाँ तो ओके दोस्तों, हम लोगों ने इरेज कर लिया। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। इतना कर लेने के बाद सीधे से हम लोग इसको शेयर कर लेंगे टूल विज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टूल विज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो इफेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा एंड सॉफ्ट स्मूथ पे एंड क्या करेंगे ये वाला ले लेंगे एंड इस मैक्सिम पे जाकर एंड क्लीन पे एंड क्या करेंगे अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग अच्छे से कीजिएगा एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से यहाँ से सेव कर लेंगे एंड इसमें रेमनी मारेंगे। तो चलिए मार लेते हैं। हाँ तो ओके दोस्तों, जब अपने आप लोग रेमनी में शेयर कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनहेंस है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा देर का ऐड आएगा, इसको देख लीजिएगा। हाँ तो ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से ऐड हटने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप लोग इसको इधर कर लीजिएगा एंड ये जो सेव वाला इस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिएगा, फिर से ऐड आ जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फोटो को सेव कर लेने के बाद आप लोग शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। और आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो कलर के बगल में कैरो का निशान है इस पे क्लिक कर लीजिएगा एंड प्लस पे क्लिक करके एक एमडी लेयर बना लीजिएगा एंड इस एमडी लेयर
पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिएगा एंड शॉप लाइट पे क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा इस पे चले जाइएगा एंड आप लोग यहाँ से ये वाला बहुत सारा ब्रश आ जाएगा तो आप लोग मीडियम ब्रश ले लीजिएगा एंड कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग क्या कीजिएगा अपने लिस्ट पे जो है ना अच्छे से अप्लाई कीजिएगा काफी अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम लोग इस पे जाएंगे जो एमडी लेयर बना है इस पे जाकर के इसको हल्का कम कर देंगे इतना रख लेंगे एंड इतना रख लेने के बाद सिंपल से हम लोग क्या करेंगे आप लोग क्या कीजिएगा इस पे चले जाइएगा एंड इस पे जाने के बाद आप लोग ये वाला ब्रश ले लीजिएगा काफी भौकाल ब्रश है ये वाला ब्रश ले लीजिएगा एंड इतना ही सेटिंग रखिएगा आप लोग काफी मस्त तरीका से एडिटिंग होगा। आप जब भी फेस स्मूथ करते हुएगा ना तो आपको फेस पे ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा आपके फेस पे ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। आप लोग आराम आराम से कुछ इस तरह से आप लोग कीजिए। आप लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे करने लगते तो इस तरह से खराब हो जाता है तो आप लोग ऐसे नहीं करना है तो आप लोग इस तरह से मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से वाला आप लोग आराम आराम से करते हैं ना तो काफी भौकाल तरीका से आपका फेस स्मूथ होगा। देख सकते हैं आप लोग कितना ही ज्यादा मस्त हो रहा है हमारा फेस स्मूथ इतना ही ज्यादा मस्त होगा। देख सकते हैं आप लोग इतना ही ज्यादा आपका फेस जो है ना मस्त एडिटिंग होगा काफी भौकाल तरीका से। तो इसी तरह से आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा। अगर आपको स्मूथ नहीं करना आता है तो मैं बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ तो आप लोग जाकर के वहां से वीडियो देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा क्योंकि मैं रोज ऐसा वीडियो लेकर के आ जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू।